24 मई 1988 गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ब्लीस टाका एयरलाइन फ्लाइट 110 जल्द ही इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। मौसम थोड़ी खराब थी, हल्की हल्की बारिश के कारण रनवे भी भीग गया। धीरे धीरे एक एक करके 38 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो गए। ये प्लेन बोइंग 737-300 का मॉडल था, जिसे कुछ ही दिनों पहले टाका एयरलाइन को डिलीवर किया गया था। इस प्लेन को 29 वर्षीय कैप्टन कार्लोस उड़ा रहे थे। उनके पास 13,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। कैप्टन कार्लोस अपनी एक आंख से ही प्लेन उड़ा रहे थे। दरअसल वर्ल्ड वार टू के दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया। कैप्टन कार्लोस सल्वाडोर एयरपोर्ट में एक प्लेन को लैंड करा रहे थे, तभी दूर बैठे एक स्नाइपर ने उन पर एक बुलेट फायर कर दिया। ये बुलेट कैप्टन कार्लोस के आंखों से होते हुए बाहर निकल गया। इस हादसे में उनकी एक आंख चली गई। हालांकि करीब 3-4 महीनों के बाद वो रिकवर हो गए, पर वो अब सिर्फ एक आंख से ही देख सकते थे। इसके बाद फिर से मेडिकल एग्जाम देने के बाद उन्हें वापस प्लेन उड़ाने की इजाजत मिल गया। वेल, यहाँ पर बहुत से लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि अगर उनकी एक आंख खराब हो चुकी थी तो वापस से उन्हें प्लेन उड़ाने की इजाजत कैसे मिल गया। वेल, यहाँ पर एक सिंपल सा जवाब है। एक प्लेन को उड़ाने के लिए सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और लाइट्स को देखना पड़ता है, और इन सबको एक आंख से भी देखा जा सकता है। इसलिए एक आंख खराब होने के बावजूद भी कैप्टन कार्लोस को दोबारा से प्लेन उड़ाने की इजाजत मिल गया। हाँ, ये बात और है कि पायलट बनने से पहले अगर कैप्टन कार्लोस की एक आंख खराब होती तो वो पायलट बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते। पायलट बनने के लिए दोनों आंखों का सही सलामत होना जरूरी होता है। खैर, आते हैं टाका एयरलाइन के पास। कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर डियोनीजियो थे, उनके पास भी 12,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। इन दोनों पायलट्स के अलावा एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन ऑर्थरो सोली भी थे। वो बेसिकली ये देखने के लिए प्लेन में मौजूद थे कि ये नया प्लेन सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि बस कुछ ही दिनों पहले इस प्लेन में एक शिकायत आई थी। दरअसल इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उस दिन इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया था। बाद में ये पता चला कि इस प्लेन को बॉन यार्ड में बहुत दिनों से वेटिंग में रखा गया था, इसलिए इसकी बैटरी में खराबी आ गई। फाइनली इसके बैटरी को रिप्लेस कर दिया गया और फिर से टाका एयरलाइन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। पीछे के सीट में बैठे ट्रेनिंग कैप्टन का काम बस इतना ही था कि बैटरी को चेंज करने के बाद प्लेन ठीक से उड़ान भर रहा है या नहीं। अब धीरे धीरे ये प्लेन 20,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। उस दिन मौसम भी बहुत खराब थी, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि प्लेन उड़ान ना भर सके। प्लेन में भी ऑनबोर्ड रडार सिस्टम होता है। ये वेदर रडार बेसिकली पल्सेस को इमिट करता है और ये बादलों से टकराकर बाउंस बैक हो जाता है। इन पल्सेस को वापस प्लेन रिसीव कर लेता है। इसके बाद कंप्यूटर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर ये पता लगा लेता है कि आगे तूफान है या नहीं, अगर है तो कितनी दूरी पर है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन सबको कैलकुलेट करके डिस्प्ले में शो करा दिया जाता है। यहाँ पर ब्लैक एरिया का अर्थ ये है कि यहाँ पर कोई भी तूफानी बादल नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। वहीं ग्रीन एरिया का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आपको दिख सकता है। वहीं अम्बर कलर का एरिया ये इंडिकेट करता है कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक है। जितना हो सके प्लेन को इससे दूर ही रखना है। फ्लाइट 110 के रडार में 2 तूफानी बादल दिखाई दे रहा था। इस प्लेन को इन दोनों तूफान से ही दूर रखना था। ऐसे में कैप्टन ने यह डिसीजन लिया कि प्लेन को दोनों तूफानी बादलों के बीच से होते हुए फ्लाई कराते हैं। यहाँ पर अधिक क्लाउड्स तो है नहीं, हाँ थोड़ा बहुत टर्बुलेंस हो सकता है, लेकिन प्लेन आसानी से फ्लाई कर सकता है। अब प्लेन धीरे धीरे तूफानी बादलों में प्रवेश करता गया। टर्बुलेंस के कारण प्लेन तेजी से हिलने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंतराल में यह टर्बुलेंस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। तभी कॉकपिट में ओवरहीटिंग का अलार्म भी बजने लगा। कैप्टन को तो ये लग रहा था कि वो दोनों तूफानी बादलों के बीच से होते हुए प्लेन को बचाते हुए वो फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वो धीरे धीरे एक विशाल बर्फीले तूफान में प्रवेश कर रहे थे। पायलट्स के ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि जब कभी भी आपको तूफान दिखाई दे तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा रास्ता बदल लेना है। लेकिन अगर प्लेन तूफान में प्रवेश कर जाए तो उसके अंदर से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि आप चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग प्लेन बना लो, कुदरत के कहर के सामने वो प्लेन टिक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे कंडीशंस में बेहतर यही होता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। प्लेन अगर हिल रहा है तो हिलने दो, जब तक कि ये अपने आप तूफानी बादलों से बाहर ना निकल जाए। कैप्टन ने भी यहाँ पर यही डिसीजन लिया। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत टाका एयरलाइन का इंतजार कर रहा था। प्लेन का वेदर रडार जो तूफान का पता लगाता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन के रडार के पल्सेस
बादलों से टकराकर वापस आता है। तब ये पता चल जाता है कि आगे तूफान है, लेकिन इस प्रोसेस में ये नहीं पता चल पाता कि इस तूफान के पीछे कितना बड़ा तूफान है। टाका एयरलाइन फ्लाइट 11 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कैप्टन को लगा कि हम छोटे मोटे तूफानों के बीच से होते हुए निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन छोटे मोटे तूफानों के बीच में एक दैत्यकार तूफान उनका इंतजार कर रहा है। कुछ ही पलों के बाद कैप्टन को ये अंदाजा हो गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। ये प्लेन अब इतनी तेजी से हिलने लगा कि कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखना मुश्किल हो गया। विंड स्क्रीन के आगे सिर्फ घना कोहरा ही दिखाई दे रहा था। करीब एक मिनट के बाद प्लेन का दोनों इंजन फेल हो गया। प्लेन का इंजन ही प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ऐसे में इंजन डेड हो जाने के कारण प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना बंद हो गया। यहाँ पर प्लेन में एक बैटरी भी था जो प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स में पावर सप्लाई कर रहा था। हालांकि इस प्लेन में APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट था जो कि प्लेन के टेल में लगा होता है। ये APU पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, लेकिन इसे इस हालात में ऑन नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये APU भी एक छोटा सा जेट इंजन होता है जो बाहर से इन होल्स के जरिए एयर को सक करता है। अगर इस इंजन को तूफान के बीच में ऑन करने की कोशिश किया जाता तो हो सकता है ये इंजन भी दोनों मेन जेट इंजन की तरह फेल हो जाता। मतलब कि प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर सिर्फ बैटरी पावर ही मौजूद था। ये बैटरी आने वाले 25-30 मिनट तक बैकअप दे सकता था। इस बैटरी पावर की मदद से कैप्टन ATC को ये बता भी नहीं सकते थे कि हमारे प्लेन में कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। कैप्टन के पास बस एक ही रास्ता बचा था, जब तक ये तूफान जुल्म ढाता रहे तब तक इसे सहना ही पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये तूफान खत्म हो। इंजन फेलियर के कारण प्लेन का एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। प्लेन धीरे धीरे तूफानी बादल के निचले लेयर में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे प्लेन में टर्बुलेंस भी कम होने लगी। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे और पीछे के सीट में बैठे लाइन कैप्टन चेकलिस्ट में ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि दोनों इंजन फेल हो जाने के बाद क्या किया जाए, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना चाहिए इंजन फेलियर के बाद भी प्लेन को सही सलामत लैंड कराने के लिए। पर अफसोस उस चेकलिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। दरअसल उन दिनों ऐसा केस देखने को ही नहीं मिलता था जब एक साथ एक ही समय में दोनों का दोनों इंजन फेल हो जाए। इसलिए उस वक्त ऐसा कोई चेकलिस्ट बनाया ही नहीं गया था कि दोनों इंजन फेलियर के बाद पायलट्स को क्या करना चाहिए। धीरे धीरे ये प्लेन ग्लाइड करते हुए 16,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। बादलों का घना कोहरा भी अब हटने लगा था। यहाँ पर पायलट ने अब ऑक्सिलरी पावर यूनिट को ऑन कर दिया। अब पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। तुरंत ही फर्स्ट ऑफिसर ने ATC को कॉल करके ये बताया कि हमारा दोनों इंजन फेल हो चुका है और हम लगातार अपना एल्टीट्यूड खोते जा रहे हैं। ATC ने कहा कि आपको लेक फ्रंट एयरपोर्ट में लैंड करना चाहिए। यही एक एयरपोर्ट है जो आपके सबसे नजदीक है, लेकिन जिस स्पीड से प्लेन नीचे आ रहा था उसे देखते हुए पास के एयरपोर्ट में भी जाना इम्पॉसिबल लगने लगा। पायलट्स को अब समझ में आ चुका था कि हमें प्लेन को क्रैश ही कराना पड़ेगा। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था विजिबिलिटी भी बढ़ती जा रही थी। पायलट्स ग्राउंड में भी देख पाने में सक्षम होने लगे। यहाँ पर पायलट को एक नदी दिखाई दिया। ये नदी इतनी चौड़ी थी कि बोइंग 737 जैसे बड़े प्लेन्स को भी लैंड कराया जा सके। कैप्टन अब चेकलिस्ट में डीचिंग प्रोसेस को फॉलो करने लगे, जैसे कि प्लेन के आउटफ्लो बल्ब को क्लोज कर देना ताकि वहां से पानी अंदर ना सके, फ्लैप्स को नॉर्मल रखना ताकि पानी के इम्पैक्ट से ये टूट ना जाए, लैंडिंग गियर को क्लोज कर देना और ऐसे ही ढेर सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है एक प्लेन को पानी में लैंड कराने से पहले। कैबिन में बैठे सारे पैसेंजर्स को भी अब ये बता दिया गया कि प्लेन को एक नदी में लैंड कराया जा रहा है। तभी फर्स्ट ऑफिसर को एक लंबा सा मैदान दिखाई दिया जो कि नदी के ठीक बगल में था। उन्होंने कैप्टन से कहा कि क्यों ना हम इस प्लेन को पानी में लैंड कराने के बजाय इसी ग्राउंड में लैंड करा दे। ये ग्राउंड नदी के ठीक बगल में है, यानी कि हम बिना इंजन के भी उस ग्राउंड तक पहुंच सकते हैं और इसकी लंबाई भी इतनी है कि बोइंग 737 जैसे विशालकाय प्लेन भी यहाँ पर लैंडिंग करके रुक सकता है। कैप्टन भी इस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। दरअसल इस घास के मैदान से कुछ ही मीटर दूर नासा का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था और वो घास का मैदान दरअसल एक रोड हुआ करता था जिसका यूज ना होने के कारण उस रोड में घास फूस निकल गया। धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया और घास के मैदान से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। ये प्लेन सही सलामत टचडाउन कर गया, पर इंजन फेलियर होने की वजह से इसे रोकने में काफी समस्या होने लगी।
क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन में रिवर्स थ्रस्ट लगा होता है जो प्लेन को रोकने में मदद करता है। लेकिन इंजन डेड होने की वजह से पायलट्स इस रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। फाइनली लड़खड़ाता हुआ ये प्लेन रुक गया। प्लेन में बैठे सभी लोगों की जान बच गई। तुरंत ही सभी लोग प्लेन से बाहर निकलने लगे। तेज बारिश हो रही थी, इसी बारिश में भीगते हुए सभी लोग खुशी मना रहे थे, मानो उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। फर्स्ट ऑफिसर ने यह नोटिस किया कि कैप्टन अब भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने जोर से कैप्टन को आवाज देते हुए कहा कि कैप्टन बाहर आ जाइए, हम सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। पर कैप्टन ने कहा कि अभी मुझे बाहर नहीं आना है, तेज बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इस तरह से टाका एयरलाइन का हैप्पी एंडिंग हो गया। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है एक दूसरी कहानी। प्लेन को तो किसी तरह से एक खेत में लैंड करा दिया गया। एक अनहोनी तो टल गई, लेकिन दूसरी शुरू हो गई। मुसीबत ये कि इस प्लेन को वापस से कैसे सर्विस सेंटर ले जाया जाए। करोड़ों रुपए के प्लेन को खेत में तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब कई सारे इंजीनियर्स ने कहा कि हम इसके विंग्स को खोलकर अलग कर देंगे, इसके बाद बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके हम इस प्लेन को सर्विसिंग के लिए ले जाएंगे। पर ऐसा करने से समय बहुत ही अधिक लगने वाला था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जब तक कि ये बारिश रुक नहीं जाती, धरती थोड़ी सूख नहीं जाती, तब तक इस काम को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल था। घटना के 3 दिन बाद बोइंग के इंजीनियर्स घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं इस प्लेन का इंस्पेक्शन करने के लिए। उन्होंने लगातार 2 दिनों तक प्लेन की जांच किया और कहा कि ये प्लेन तो उड़ सकता है, इसके पार्ट्स को अलग करने की जरूरत नहीं है, बस इसके खराब इंजन को हटाकर कोई नया इंजन फिट कर दो। अब ये एयरलाइन कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो अपने प्लेन के साथ क्या करे, प्लेन के पार्ट्स को खोल कर ले जाए या फिर खेत में ही इस प्लेन को टेक ऑफ करा दिया जाए, या फिर ये भी कि खेत में ही सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। करीब 2-3 दिन गुजर जाने के बाद जमीन बिल्कुल ही सूख चुकी थी। अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम इसके इंजन को चेंज करके इसी घास के मैदान से प्लेन को टेक ऑफ करा देंगे। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये प्लेन तो खेत में लैंड किया था, न कि किसी रोड में। यहाँ धूल मिट्टी और घास के अलावा कुछ भी नहीं होता, ऐसे केस में इतना भारी विमान कैसे टेक ऑफ कर सकता है। आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, प्लेन के टैंक में लाखों गिलन फ्यूल डाला जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का वजन भी काफी बढ़ जाता है। इसके बाद प्लेन में सैकड़ों पैसेंजर्स भी होते हैं, उनके साथ उनका लगेज भी होता है, इससे प्लेन का वजन और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन फ्लाइट 110 को इस घास के मैदान से टेक ऑफ कराने में कोई भी टेंशन नहीं था, क्योंकि इस प्लेन में उतना ही फ्यूल डाला गया जितनी जरूरत है। वहीं दूसरी ओर ना तो इसमें कोई पैसेंजर था और ना ही उनका लगेज। ऐसे में इस हल्के प्लेन को घास में भी रन कराया जा सकता है, और सिर्फ बोइंग 737 को ही नहीं बल्कि लगभग सारे प्लेन्स को घास में रन कराया जा सकता है, बशर्ते कुछ बड़े प्लेन्स को छोड़कर, जैसे कि एयरबस A380, बोइंग 747, बोइंग 777। ये प्लेन्स वजन में काफी भारी होते हैं और इन प्लेन्स के विंग्स का फैलाव भी काफी अधिक होता है। इतने चौड़े विंग्स में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जरा सा भी प्लेन में ऊंच नीच हो जाए तो इसका विंग्स ग्राउंड से टकरा जाएगा। फाइनली फ्लाइट 110 के इंजन को बदला गया और इसमें उतना ही फ्यूल डाला गया जितनी की जरूरत हो। इसके बाद ये प्लेन उस घास के मैदान से भी टेक ऑफ कर गया। उधर कुछ महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी आ गया। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, बस इन्वेस्टिगेशन की टीम को ये देखना था कि इतनी ऊंचाई में दोनों के दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो गया। यहाँ पर इंजन की बनावट की जांच करने के बाद ये पता चला कि ये इंजन ढेर सारे वाटर को सक करने के बाद भी आसानी से रन कर सकता है। उस वक्त इंजीनियर्स को लग रहा था कि पानी के 3 रूप एक ही तरीके से इंजन में प्रभाव डालता है, इसलिए इस इंजन के टेस्टिंग के दौरान उन्होंने इंजन में पानी डालकर देखा था, ना कि बर्फ के टुकड़े। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि पानी के 2 रूप इंजन में अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है। अगर इस इंजन में बर्फ चला जाए तो अधिक संभावना है कि ये बर्फ के गोले सीधे इंजन के कोर में पहुंच सकता है, ऐसे में इंजन के अंदर तबाही भी मच सकती है। हालांकि बाद में इस इंजन को मॉडिफाई कर दिया गया और आज के इंजन बेहद ही एडवांस हो चुका है। चाहे इंजन में पानी चला जाए या फिर बर्फ के टुकड़े, आज के इंजन आसानी से इसे झेल सकता है, इसलिए तो आज के दौर में इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने सुनने को नहीं मिलता। उधर बोइंग कंपनी ने भी अपने चेकलिस्ट को अपडेट कर दिया गया कि दोनों इंजन अगर फेल हो जाए तो पायलट्स को क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में भी चेकलिस्ट में मेंशन किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।